चढ़ना कैसे है? ऐसे भूती वाला चेहरा मत लो, व्यूज आते आते कम हो जाए। वेलकम टू आवर चैनल प्रभाकृष्ण व्लॉग्स। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं घर, और गोवा में कर लिया हमने बहुत ज्यादा मस्ती। तो पहले नॉर्थ गोवा में की और अभी साउथ गोवा में, और आज 1 बजे के करीब हमें कैब आ जाएगी लेने और शाम की हमारी फ्लाइट है। तो अभी मैं और रिम्पी दी जा रहे हैं, थोड़ा बीच पे घूम के आते हैं और साथ में पैकिंग वगैरह करनी है। मैंने थोड़ी बहुत कर ली है, थोड़ी सी बची है तो वो मैं आके कर लूंगी। और अभी हम लोग चलते हैं बीच पे, लास्ट चक्कर मार के आते हैं। पैकिंग भी कर ली है पूरी? अरे मेरी नहीं हुई है, अभी थोड़ी सी बची है। क्या मस्त नजारा आज हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। खम्बे के पास? हाँ खम्बे के पास। बहुत दूर है वो तो। तो गाइज फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच और हनीमून बीच देखने। पहले तो ये कोई मान ही नहीं रहा था, सभी के अपने अपने दाम है, पर अभी 2000 से बहुत मुश्किल से हमने 500 करवाया। बहुत बार्गेनिंग करते हैं ना हम लोग। कल भी हम लड़ झगड़ के सामान लेके आए। ठीक है, 1 घंटे में वापिस आ जाएंगे ना, क्योंकि हमें चेकआउट भी करना है। लेट हो गए तो वो लोग हमें इधर ही छोड़ देंगे, हमारे पास कोई पैसा पुसा नहीं है, कहाँ जाएंगे। ये कहाँ से? इस पे तो बहुत वो है, कैसे चढ़ेंगे? इस बोट का भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वैसे ना यहाँ आके हर चीज का एक्सपीरियंस मैक्सिमम हो ही गया है। समझ आ रहा है हम लोग कहाँ से चढ़ेंगे, पूरे इधर पानी पानी आ गया इधर। वो चढ़ाएगा ना? हाँ, पैसों का कितना वो है, आते टाइम देंगे, अभी तो नहीं देंगे। आपका जी थोड़ा अरे भीग जाएगा, पर मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, मैं कौन सा पहनूंगी ना, पानी में लेके जाएगा। आधे आधे तो ले ही आए है। ओ माई गॉड, भैया चढ़ना कैसे है? चलो ठीक है, मैं तो हाँ भैया और आगे मत लेके जाओ, सही चढ़ने दो हमें। दो घंटा नहीं लगाना, हमें जाना भी है, इधर ही थोड़ी ना रुकना है। नहीं, मेरे 5 घंटे का बाद मैं हाँ। अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे डॉल्फिन्स, बहुत सारी डॉल्फिन्स है, एक थोड़ी है, बहुत सारी आगे तो ये। आज धूप नहीं है और मौसम भी काफी अच्छा है, तो बहुत सारी डॉल्फिन दिख रही हैं। वो मुझे सामने दिखी, ये 3 जा रही हैं साथ में ही, ये लेफ्ट साइड पे एक और दिख गई। गाइज ये सामने राइट साइड पे रहा सैंड का टॉर्टाइज, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं हनीमून बीच पे और उसके बाद जाएंगे बटरफ्लाई बीच। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर मस्ती कर लेते हैं, 15 मिनट्स मिले हैं हमें सिर्फ। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, ये है हनीमून बीच, अभी हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटोशूट कर लिया है और अभी हमें निकलना है जल्दी, लेकिन अभी बोट वाला पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। वही लेपर्ड वैली वाला ट्रैकिंग वाला था ना, तो फिर ये लोग यहाँ से आए होंगे।
वी शेप जैसा यही रहा हमारा बटरफ्लाई बीच। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, और उसके बाद हमें होटल पहुंचना है जल्दी, और हमारी कैब आ गई है हमें लेने। गाइज अभी हम लोग देख आए हनीमून बीच और बटरफ्लाई बीच, बहुत ही अच्छा है। और अभी हम लोगों को होटल जाना पड़ रहा है। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं गोवा एयरपोर्ट, और अभी जाएंगे यहाँ से। हमारी फ्लाइट तो अभी शाम को है, तो आज संजय भैया और इम्पीटी भी चले जाएंगे, तो हम लोग भी शाम को निकल जाएंगे। इधर इधर आ जाओ दी, आ जाओ इधर। आज आराम। अरे बहुत लंबा लाइन है, उस दिन भी इतनी लंबी लाइंस लगी हुई थी, और कुछ लोगों की तो फ्लाइट भी मिस हो गई थी। आज मुझे तो टेंशन हो रही थी कि आज हमारा क्या होगा, जिस तरह से वो रास्ते में ट्रैफिक था। आपका हुआ नहीं है? तू तो बोर्डिंग पास बना लिया, तो बोर्डिंग पास ही तो बना रहा हूँ। सीट देख रहे हो ना, सीट अगर होगा तो अच्छा। तो गाइस अभी बोर्डिंग पास बना रहे हैं, और मैं थोड़ा यहाँ पे घूम लेती हूँ। दी पता नहीं कहाँ रह गए, वो तो पीछे ही है। इधर आ जाओ, रिम्पी दी इधर आ जाओ। हो गया, चलो आ जाओ। सारा काम एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लंच वगैरह करके फिर निकलते हैं। अभी 5 बजे का ही फ्लाइट है आपका। हाँ अभी तो 3 ही बजे हैं। यहाँ पे ना ये एक्सेसरीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा हर चीज। गाइस भैया का कैमरा तो मेरे पास ही रह गया था, और अभी मैं भैया को कैमरा दे देती हूँ। पहले भैया अपना कैमरा ले लो। अभी आप लोग चले जाओगे ना, फिर हम वीडियो नहीं शूट कर पाएंगे। ये पहले ही मिले थे हम लोग, ऐसे भूतिया वाला चेहरा, बस व्यूज आते ऐसे कम हो जाए। अच्छे वाले फोटोज डाल रहे हैं। हाँ हमने अच्छे वाले डाले, हिंदी वाले फोटोज मत डालने। और घर पहुँच के मुझे सबसे पहले कॉल करते हैं। तो गाइज अभी ये लोग चले जाएंगे, तो मुझे ना बहुत ऐसे बुरा लग रहा है, क्योंकि इतने दिन साथ रह के अभी जा रहे हैं, सब अलग हो रहे हैं। हाँ वैसे इस साल तो हम 2 बार मिल चुके हैं, अभी आगे पता नहीं कब मिलना होगा कब नहीं होगा। हाँ कोई पता नहीं है इस चीज़ का, लेकिन हाँ ये है कि जल्द ही मिलेंगे। हाँ फोन पे तो होगा, लेकिन ऐसे भी जल्द ही मिलेंगे। हाँ और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ देखा ही नहीं। गाइज़ अभी हम लोग बैठ गए फ्लाइट में, और इनका सीट आगे और मेरा पीछे है, तो आज अलग अलग सीट हो गए। तो गाइज़ मिलते हैं फिर दिल्ली एयरपोर्ट जाके। दिल्ली एयरपोर्ट, और अभी हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है जो वो मॉर्निंग में है 9 बजे, तो अभी 8:30 हो रहे हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं इनकी मासी के घर। इधर पहुंच के तो मुझे पूरी कनाडा वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कि मैं कनाडा से वापस इंडिया आई हूँ। क्या कहाँ पे है गाड़ी? क्यों इसने पैसे तो काट दिए, अब क्यों नहीं मिलेगी? रात के बज रही है 9:30, और अभी हम जा रहे हैं इनकी मासी के घर। और मैं आपको बता दूं, शादी के बाद तो मैं मासी के घर में फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। हमारा ना मासी के घर में जाने का कोई प्लान नहीं था पहले, और फिर मम्मा का कॉल आया, वो कहते कि आप चले जाओ उधर, और साथ में मासी भी कॉल कर रहे थे, कहते कि आ जाओ इधर, आप इधर आए ही हो तो। और फिर हमारा जो लगेज वगैरह है वो भी हमारे एयरपोर्ट में ही है, और वो हमें मिलेंगे जम्मू जाके। और मेन बात ये कि मेरा जो मोबाइल है वो हो गया डेड, मतलब 5% बैटरी सारी है, तो पता नहीं कब स्विच ऑफ हो जाए। लेना है? नो, फोन नहीं देती है। फोन नहीं देगी। ठीक है मासी। ना ना ना, नहीं नहीं, हमने ले लिए बस, और नहीं बस। ठीक है मासी, ठीक है मासी, ठीक है ठीक है, चलो चलो भैया, ठीक है बाय बाय।
गाइस सुबह के बज रहे 4 और अभी हम लोगों को निकलना पड़ रहा है एयरपोर्ट के लिए। तो पहले हमारी फ्लाइट थी जो वो 9 बजे के अराउंड थी और अभी है 6:30, इसलिए हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। वैसे मासी का तो मन नहीं था हमें भेजने का और हमारा भी मन नहीं था आने का, लेकिन फ्लाइट थी तो हमें आना पड़ा। अगर पहले पता होता कि हम लोगों ने मासी के घर में जाना है तो हम टिकट ही उसी हिसाब से काटते, लेकिन अभी क्या करना है। चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे मासी के घर। पहुंच के हम एयरपोर्ट और अभी सबसे पहले हम जाएंगे बोर्डिंग पास के लिए। यहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन लगी है, गेट नंबर 33 पे जाना है हमें, इधर ही होगा। अभी कितना कोई लग जाएंगे, 2 मिनट इधर है। हाँ हाँ, 32-35 33 यही है, इधर ही रुकना है, वो लास्ट में है जम्मू चेक इन ओपन। अभी हमारी फ्लाइट आई नहीं है तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मेरी तो आंखें बंद हो रही हैं बार बार, बिकॉज आज तो पूरी रात ही नहीं सोए गया है। अभी हम जा रहे हैं, फ्लाइट आ गई है हमारी। और अभी ना एक बात अच्छी है, दिल्ली से लेके जम्मू तक हमारी साथ में सीट है और गोवा से लेके दिल्ली तक हमारी साथ में सीट नहीं थी, आगे पीछे थी। तो मेरे साथ एक भैया बैठे थे, फिर मैंने उनको बोला कि भैया प्लीज़ आप सीट एक्सचेंज कर दो, तो वो बेचारे मान गए और फिर वो चले गए आगे और ये आगे पीछे। और गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अपनी सिटी में, जम्मू शहर में। अभी रिक्शे पे हम जा रहे हैं बस स्टैंड तक और एक बस पे ही चले जाएंगे घर। ये कहते हैं कि सुबह सुबह अभी सब सो रहे होंगे तो इन्होंने घर पे कॉल ही नहीं किया। गाइज ये था हमारा गोवा का ट्रिप, बहुत सारी मस्ती करी हमने गोवा में और बहुत सारी यादें जुड़ी हैं हमारी इस ट्रिप के साथ। ये ट्रिप मेरा बर्थडे गिफ्ट था, कॉज शादी के बाद मेरा फर्स्ट बर्थडे था और अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ बस में सो जाऊँ और उधमपुर जाके ही उठूँ। तो गाइज़ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।